Hello friends, now we are discussing the section 77 of the Indian Penal Code 1860. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ इस सेक्शन का. इस सेक्शन में जो बात करी है वो बात करी है कि अगर कोई जज कोई जुडिशियली एक्ट कर रहा है जो उसकी पावर में है, अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है तो वो यहाँ पे लाइबल नहीं होगा उस एक्ट के लिए. आइए हम सेक्शन की बात करते हैं. तो सेक्शन में लिखा है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जज का एक्ट व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब वो जुडिशियली लॉ के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, जैसा लॉ में बताया गया है वैसा काम कर रहा है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. इस सेक्शन के दो पार्ट हैं. जो पहला पार्ट है उसमें यह है कि नथिंग इज एन ऑफेंस. सबसे पहली बात तो यह है कि नथिंग इज ऑफेंस, वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा. क्या? विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is given to him by the law. Exercise of any power which is given to him by law. वो कोई भी act offense नहीं होगा जो judge करता है judicially, acting judicially in the exercise of any power, जब उसको कोई power दी गई है law के द्वारा, judicially ने कोई power दी है उस person को, judge को, तो अगर वो कोई उस power का use करके कोई act कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा. और दूसरा कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय द लॉ. नथिंग इज एन ऑफेंस मतलब वो कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा विच इज इन गुड फेथ, जो अच्छे विचार से विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो गुड फेथ है सेक्शन 52 इंडियन पिनल कोड का ही, इसी कोड का जो सेक्शन 52 है उसमें डिफाइन है गुड फेथ क्या है. तो बता रखा है कि विद ड्यू केयर एंड अटेंशन जो चीज होगी. सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ. तो एक जज कोई ऐसा एक्ट करता है जो गुड फेथ में है और वो बिलीव कर रहा है कि ये पावर उसको लॉ ने दी है, तो वो ऑफेंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोई डेथ पेनल्टी देता है, सेशन कोर्ट के जज के पास डेथ पेनल्टी की पावर होती है, हाई कोर्ट के जज के पास डेथ पेनल्टी की पावर होती है. तो अगर सेशन कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी देता है, मृत्यु दंड देता है, तो वो यहाँ पे लाइबल नहीं होगा. वो इस सेक्शन में उसको बचाव मिल रहा है कि वो अगर एक्ट कर रहा है तो वो जुडिशियली कर रहा है, एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर. उसको पावर दी हुई है, पावर कहाँ पे दी हुई है, पावर दी हुई है सेक्शन 28 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है प्रोसीजर बताता है क्राइम्स का, तो वहाँ पे जो सेक्शन 28 है वहाँ पावर दी हुई है. जजों की पावर है जिसमें सेशन कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजेस की पावर बताई है, उसमें बता रखा है कि वो डेथ पेनल्टी दे सकता है. तो डेथ पेनल्टी दे रहा है तो वो एक्टिंग जुडिशली हो रहा है, तो यहाँ पे वो पर्सन लाइबल नहीं होगा कि किसी भी ऑफेंडर को अगर वो डेथ पेनल्टी दे रहा है तो. दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, किसी ने चोरी करी और चोरी के ऊपर उस पर्सन के ऊपर जो जुर्माना लगाया, जो फाइन इम्पोज किया जज ने, वो 2000 रुपये का किया. माना कि चोरी उसने 900 रुपये की करी, 1000 रुपये की करी या 1500 रुपये की, लेकिन फाइन 2000 रुपये का किया. तो जज को जब लगता है कि इन गुड फेथ वो ये काम कर रहा है कि विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, उसको लगता है कि ये पर्सन जिसने चोरी करी है, इसने माल जो चीज़ चुराई है वो तो 2000 रुपये की चुराई है, लेकिन इसकी जो मंशा थी, जो इंटेंशन थी, मन के विचार थे, वो ये भी थे कि जो 5000 रुपये की चीज़ उसके बगल में रखी थी उसको भी चुराने की थी. तो उस सारी कंडीशन, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए गुड फेथ में अगर जज ने कोई इम्पोज करा है कोई पेनल्टी, तो वो भी यहाँ पे बाउंड बाय लॉ है और उसको ये पावर लॉ ने दी है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाई जाएगी. और अभी दो एक्ट्स भी बने हुए हैं. एक एक्ट है जो
इंडिपेंडेंस से पहले का है, दैट इज ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। 1850 में एक एक्ट आया जिसका नाम था ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट। उस एक्ट के सेक्शन 1 में बताया कि नो जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशियली शैल बी लायबल टू सूट इन एनी सिविल कोर्ट। कोई भी जज या मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या कोई ऐसा पर्सन जो जुडिशियली काम कर रहा है वो लायबल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो और यहाँ लिखा है शैल, तो शैल द पर्सन इज नॉट लायबल किसके लिए, टू बी सूड इन एनी सिविल कोर्ट। कोई भी सिविल कोर्ट में उस पर्सन के खिलाफ कोई केस नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि उसने फाइन इम्पोज कर दिया और सिविल कोर्ट में कोई पर्सन केस चला दे कि जो फाइन इम्पोज किया गया है जज के द्वारा वो ज़्यादा किया गया है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और एक जो एक्ट है वो है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985। पहला एक्ट था 1850 का जो ऑफिसर्स प्रोटेक्शन था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स थे। ये स्पेसिफिक एक्ट बना है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में। इसमें बताया गया है कि एक सिटिंग और फॉर्मर जज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। कोई भी जज जो अभी प्रेजेंट में जज है या फिर जो पर्सन जज रह चुका है उसके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। किसी ने डेथ पेनल्टी दे दी तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के इम्पोज करना चाहेंगे तो क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं हो सकती, वो इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। सो सेक्शन 77 इज कम्प्लीटली फॉर द जजेस जो एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, और पावर विच इज गिवन बाय देम टू बाय द लॉ, लॉ ने उनको पावर दी है। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।